कौंडन्यपुर छोड़कर चली गई। 6 वर्ष की अवस्था में रुक्मणी जी अपने पिता से कहकर गई, बिना बताए नहीं गई, बिना बोले नहीं गई रुक्मणी, कहकर गई है पिताजी मुझे शिव भक्ति को प्राप्त करना है, मुझे भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करना है, भगवान शंकर की भक्ति को प्राप्त करना है। पिताजी मैं वन क्षेत्र में जा रही हूं, आपने कहा कि शंकर की भक्ति करने वाला को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, मांग कर दे वो देव कहलाता है, जो बिना मांगे दे दे वो महादेव कहलाता है, तो मैं महादेव की भक्ति करने के लिए जा। इतने खुश हुए पिता, विदर्भराज भीष्मक अति प्रिय, प्रसन्न, बहुत प्रसन्न, उनकी प्रसन्नता का कोई अंत ही नहीं था। राजा भीष्मक में और हम में बहुत अंतर है महाराज। हमारा बच्चा अगर रोज रोज सुंदरकांड में चले जाए, रामायण में चले जाए, हनुमान चालीसा में चले जाए, हमारा बच्चा रोज रोज मंदिर देवालय चले जाए, किसी संत की सेवा में चले जाए, तो घर के लोग चिल्ला के दौड़ जाते, तू तो बाबा बन जा। बोलो सही है कि गलत है? हमारे यहां की बेटियां मंदिर तक जाएं तो लोग टांट मारने लगते हैं, ताने देने लगते हैं, कमेंट्स करने लगते हैं। आप रोज रोज अगर भगवान के मंदिर में जल चढ़ाने जाओगे तो लोग तुम्हें ताना दे देंगे, आ गई सीओर वाले महाराज की चेली। बोलो बोलते कि नहीं बोलते? तो लोगों का क्या है, वो तो कहते रहेंगे। दुनिया के लोगों को बुरा लगता है अगर आप भगवान के भजन की ओर आगे बढ़ते हैं तो, दुनिया के लोग। पर राजा भीष्मक को बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत प्रसन्न। इतनी प्रसन्नता राजा भीष्मक के मुख पर थी कि आज मेरी लड़की, आज मेरी बेटी 6 वर्ष की अवस्था में शंकर की आराधना में डूबी है। दादा परदादा का जो क्रम था शंकर की आराधना का, वो मेरी बेटी भी कर रही है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे यहां पर हींग की डब्बी है क्या? अरे बोलो तो जम के, हींग रखते हो उस डब्बी में? एक काम करो, 8 महीने 10 महीने 1 साल हींग की डब्बी को खाली करके, धो के, साफ करके, अच्छे साबुन सरफ से धो के उसको बंद करके रख दो या खोल के रख दो। 1 साल के बाद उस हींग की डब्बी को सूंघ कर देखना, उसमें हींग की खुशबू आएगी कि नहीं आएगी? अरे बोलो तो, आएगी ना। हींग की डब्बी को खाली कर दिया, हींग की डब्बी को धो दिया, गर्म पानी से धो दिया, साबुन से धो दिया, सर्फ से धो दिया, तो भी हींग की खुशबू उस डब्बी में आती है। उसी तरह हमारे दादा परदादा, हमारे पूर्वज भगवान की भक्ति करते 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 चले जाते हैं, तो वो अपनी भक्ति की सुगंध अपनी आने वाली पीढ़ी को छोड़ जाते हैं और वो सुगंध दिखती है, वो सुगंध नजर आती है। आप जितने भी शंकर की कथा में बैठे हो, आप जितने भी शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए बैठे हो, और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आप सब इत्र की अर्थात हींग की वो डब्बी हो जिसकी सुगंध नहीं गई। 84 लाख, वो कहे ना 83,99,999 योनि काटने के बाद ये 84 लाख भी योनि मिलती है, 83,99,999 योनि काटने के बाद ये योनि मिली, और उस योनि में भी आप शंकर की कथा सुन रहे हो, उस योनि में भी आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, उस योनि में भी आप एक लोटा जल शिव जी को समर्पित कर रहे हो, उस योनि में भी आप भगवान का भजन कर रहे हो। तो ये अंदाजा लगा कर रखना कि आप
हींग की वो डब्बी हो जिसको इतने बार प्राण त्यागने के बाद भी शंकर की भक्ति तुम्हारे भीतर है, हींग की गंध तुम्हारे भीतर है। आज वो गंध समाप्त नहीं, कितना प्रयास करा। आज हमारे बीच में हनुमानगढ़ी वाले महाराज जी भी विराजमान हैं, महंत श्री राजीव दास जी महाराज जी, और रामभूमि जन्मभूमि से सत्येंद्र दास जी महाराज जी विराजमान हैं। कितना प्रयास करा लोगों ने, कितनी बार मंदिर नहीं, मंदिर गायब हो गया, दूसरा धर्म अपना स्थापित कर दिया उन्होंने, सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी सनातन धर्म का कोई शेर तो जागा और सनातन धर्म की पताका तो किसी ने फैलाई जो अवध में वापिस राम जी महाराज विराजमान हुए। अवध में भगवान राम जी विराजमान हुए, ये शिव तत्व है, गंध नहीं गई। राजा भीष्मक बड़े प्रसन्न हुए, राजा भीष्मक के हृदय में सुख का अनुभव हो गया, राजा भीष्मक आनंदित हो गए। आज मेरी बेटी ने जो काम किया, शंकर की भक्ति उसके परदादा करते थे, उसके दादा करते थे, और आज मेरी बेटी शिव भक्ति करने के लिए गई है, प्रसन्नता है। तुम्हारे बच्चे मंदिर जाएं, प्रसन्न होना, तुम्हारे बच्चे एक लोटा जल शिव को चढ़ाएं, प्रसन्न होना, तुम्हारे बच्चों के मुख से गुड मॉर्निंग गुड नाइट की जगह जय जय श्री राम या हर हर महादेव निकले, प्रसन्न होना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकले, प्रसन्न होना, भगवान का नाम निकले, प्रसन्न होना। आज समझना कि तुम्हारी दौलत तुमने तुम्हारे बच्चों को दी है जिसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल रहा है, जिसके मुख से भगवान का नाम निकल रहा है, ये प्रसन्नता होना चाहिए, ये एक आनंदता होना चाहिए। बड़ी प्रसन्न थे राजा भीष्म, बहुत प्रसन्न, और वो झूठी हंसी नहीं थी राजा भीष्मक की, वो प्रसन्नता राजा भीष्मक की झूठी नहीं थी, वो प्रसन्नता आनंद की थी। अच्छा एक बात बताओ, गिलास तुम्हारा जो पानी का गिलास होता है वो थोड़ा सा फूटा है, फिर भी तुम पानी पीते हो कि नहीं पीते हो? अरे बोलो तो जम के, पीते हो ना? और वही गिलास उसमें झूठन लगी है, झूठ जो झूठन लगी उसमें, रोटी का टुकड़ा लगा, सब्जी लगी, पूरा भिड़ रहा है अंदर से, पूरी झूठन लग रही है उसको, उससे पानी पी लोगे क्या? बोलो जम के बोलो जरा, नहीं पिया। गिलास टूटा होगा चल जाएगा, पर गिलास झूठा होगा नहीं चलेगा। उसी तरह मनुष्य की एक आंख फूटी हो चलेगी, हाथ टूटा हो चलेगा। एलईडी चालू करिए, एलईडी वाले एलईडी चालू करिए। आंख फूटी हो चल जाएगा, हाथ टूटा हो चल जाएगा, पांव टूटा हो चल जाएगा, पर मनुष्य झूठा हो वो महादेव को बिल्कुल नहीं चलता।